मैं अमृतसर जा रहा हूँ, ये आप सबको मैं बताकर चला था। दोपहर को यहाँ पहुँचे, ये शाम को हमारा अमृतसर में पहला मील है। सोचा कि खाना किसी चटपटी सी और हैपनिंग सी जगह पर खाया जाए, तो हम आ गए केसरदा ढाबा पे। पता ही लगा कि 100 साल पुराना है। बड़े एक विनम्र स्वभाव के इंसान अंदर बैठे हैं जो उसके ओनर हैं। उनसे थोड़ी सी बात करेंगे और किचन जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, सब कुछ वेज है। पाथियाँ बाज़ार, सिंह साहब ने मुझे बताया बॉम्बे वाला चौक, इनकी बड़ी गाड़ी गाड़ी थी पंजाबी, इन्होंने बोला, मैं कुछ समझ पाया कुछ नहीं समझ पाया। बहरहाल ये जो केसरदा ढाबा है, ये खुद अपने अंदर एक लैंडमार्क है। तो जल्दी से चलते हैं, सुबह से अब तक कुछ ढंग से नहीं खाया। सोचा था कि पहला मील जो लेंगे वो केसरदा ढाबा पर लेंगे। अंदर जाते हैं, बात करते हैं और खाते हैं। तो अभी अंदर दाखिल ही हुए थे, रमेश जी ने हमें इत्तफाकन पहचान लिया, इन्होंने कल परसों के व्लॉग देखा होगा। रमेश जी, 100 साल पुराना लिखा हुआ है जी इसको। सर इट्स बीन अभी इसको 106 साल हो गए सर, तो उसको अपडेट करा दीजिए। अच्छा सर, तो जाहिर है 106 साल पुराना है, तो ऑब्वियसली आपके पिताजी या उनके पिताजी ने, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जी थे, ग्रेट ग्रैंडफादर ही स्टार्टेड। उनका नाम केसरमल था, उन्हीं के नाम से ये चल रहा है जी। तो वो बेसिकली यहीं के हैं? नहीं, हम लोग बेसिकली लाहौर से थे, शेखुपुरा, इट्स अ टाउन नोन एज शेखुपुरा। मैंने ये देखा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि माइग्रेशन के बाद लाहौर से बहुत सारा टेस्ट यहाँ पर माइग्रेट हुआ है। Exactly. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। Exactly. सर, आपके किचन में एक झलक देख सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, रमेश जी ने हमें फौरन से परमिशन दे दी कि आप किचन चले जाइए, हमारी खाना खाने से ज़्यादा उसको बनते देखने की ख्वाहिश रहती है। हम किचन में आ गए, इनके ढाबा का किचन है। अरे यार ज़बरदस्त। अंदर आते ही जो सबसे पहले दो चीज़ें नज़र आई हैं, वो ये तारीखी से दो पतीले नज़र आए हैं। इनको पतीला कहिए, देख कहिए, लेकिन इसमें जो मुख्तलिफ बात जो है वो ये है कि ये पतीले पीतल के हैं और इनके अंदर जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारी कोई दाल रखी हुई है। मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी इस वक्त ऐसा नहीं है जिसको हम पकड़ के बात कर सकें। मैं खुद ही सब चीज़ें दिखाऊंगा और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछता चले जाऊँगा। चलो आप अपना काम करो। अच्छा जी, ये क्या आइटम? कढ़ाई पनीर। और ये शाही पनीर होगा ज़रूर, है ना जी? शाही पनीर। अच्छा, आपका बैंगन का भरता बड़ा मशहूर है, वो कौन सा है? अच्छा, ये इधर है। ये जो बैंगन का भरता है, ये मैंने बहुत से लोगों की खास पसंद देखी है, इसको आज ज़रूर गौर से देखेंगे। तड़के बड़े मतलब हैवी किस्म के चल रहे हैं। आ जाओ, जो आता है उसको आने दो, हम किसी को रोकते नहीं हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि जहाँ पर भी शूट कर रहे हैं वहाँ के काम को बिल्कुल भी ना रोकें, बिल्कुल भी कोई अफेक्ट ना पड़े। तड़का जो चल रहा है, प्याज है, प्याज और अदरक का तड़का यहाँ लगता है दाल में। ये उसी पतीले की दाल है जो वहाँ बड़े में रखी है। तो ये पैकिंग भी चल रही है, यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ तैयार रखी है। पनीर की 3 आइटमें यहाँ पे नज़र आ गई ज़रा सी देर में। पालक पनीर बड़ा ही अलग किस्म का, अगर कोई बताए। वॉर लेवल पर काम हो रहा है, इतना ज़बरदस्त एक्शन वाला किचन मैंने अब तक पहले नहीं देखा। इतनी तेज़ी से काम हो रहा है, वहाँ से जो दाल आई थी वो यहाँ पर इन्होंने इसमें पलट दिए। बहरहाल ये जो कुछ भी किसी भी बगैर सीक्वेंस के पकड़ पाऊँगा वो आपको सीक्वेंस अपने दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। ये चने हैं जी, ये क्या मसाले में होते हैं, क्या होते हैं? ओनली चना। मेरे पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग बैठे हुए हैं और 6 के 6 लोग अलग अलग किस्म की रोटियां, पराठे और नान वगैरह बना रहे हैं। 6 तंदूर लगे हुए हैं और क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और मैं क्या कुछ दिखा सकता हूँ, ये डिपेंड करता है। फिर आखिर में वही बात कि हम किसी भी काम को नहीं रोकेंगे। फिलहाल यहाँ पे तड़का काउंटर है। बात जो यहाँ पर जिक्र करनी चाहिए वो ये कि जो भाई साहब काउंटर पर बैठे हैं, मिस्टर कुमार, उन्होंने मुझे एक बार में बहुत प्यार से इजाज़त दी कि आप शौक से जाइए, किचन खुला हुआ है। मैं पहले तड़का
क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। बड़े अच्छे तड़के लगाते हो यार। ये क्या कि किस में लगाया दाल है? ये काली दाल। ये जो इसमें पकती है, ये सारा कुछ ना एक इतनी बड़ी मशीन की तरह है जो मुस्तकिल चल रही है, और लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं वो मशीन के पुर्जों की तरह हैं। हर पुर्जे को पता है कि मुझे किस वक्त क्या करना है। इन लोगों को कैमरे की भी परवाह नहीं है। खाने तो बहुत सारे हैं आपके यहाँ, ऑर्डर क्या करना चाहिए? यहाँ का सर जो बेस्ट पार्ट है दैट इज दाल फ्राई, चना फ्राई, पालक पनीर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लच्छा पराठा। आई डू हैव थाली ऑल्सो, जिसमें दो लच्छा पराठे रहेंगे, दाल ऑब्वियसली रहेगी, चने भी रहेंगे, रायता एंड सैलड वुड बी देयर। एक तो दाल फ्राई, चना मसाला, चना फ्राई और पालक पनीर। पालक पनीर और एक बैगन का भरता जरूर खाना है आपका, मैंने बड़ी तारीफ सुनी उसकी। जी, बैगन का भरता भी है, यू कैन ट्राई दैट। चलिए ठीक है, तो हम टेबल पर बैठते हैं, आपकी तरफ से हमें इजाजत है, बैठ जाए। श्योर, प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिंदा दिल लोगों की टेबल थी, मैंने इनसे पूछ के इनको थोड़ा सा शूट किया है। शोर बहुत है, ये लोग सारे के सारे बड़े शौक हैं। इनकी इस टेबल की हालत से आप लोग समझ सकते हैं, सारा जिंदा दिल है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, क्या क्या लाए हो बता दो आप हमें। अच्छा, ये लच्छा पराठा आ गया, और ये अंदर इसके कुछ है, खाली है वो प्लान है। अच्छा, और ये गोभी का पराठा। ओके, ये आलू का पराठा, गोभी आलू लच्छा, और ये क्या है? ये भी लच्छा है। बैंगन का भरता, बैंगन, पालक पनीर, पालक पनीर, दाल मखनी, चना मसाला, चना फ्राई। ओके चलिए ठीक है, यही वो ऑर्डर पूरा हो गया ना? ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। सारी चीज़ें जो ऑर्डर की थी वो आ गई हैं। ये है इनका पालक पनीर, बहुत डिफरेंट है। मैं थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें ले लेता हूँ, उसके बाद इसको खा कर देखते हैं कि क्या कह रही है क्या चीज़। और पालक पनीर काफ़ी डिफरेंट है। इसके बाद ये है इनका बैंगन का भरता, बैंगन के भरते की इनकी बहुत से लोगों ने तारीफ की है यूट्यूब पर। दाल फ्राई, ये वही दाल फ्राई है जो अंदर बड़े बड़े पतीलों में हमने अभी देखी थी। बोलना मुश्किल हो जाता है, मुँह में पानी आ रहा है। चना फ्राई, एक्चुअली चना फ्राई बता रहे हैं, प्योर काबुली चने हैं, सुर्ख हैं। अच्छा, इनके ना अंदर लाल देगी, लाल मिर्च यूज़ हो रही है जो खूब तेज़ रंग की होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। यहाँ पर कई तरह के लच्छे पराठे और गोभी पराठे और प्लेन तंदूरी रोटी भी है। सबसे पहले इससे ट्राई करते हैं, ये प्लेन लच्छा पराठा है, लेकिन ये भी बहुत शोर है यहाँ पर, तो काम चलाना पड़ेगा। सबसे पहले बैंगन के भरते से ही मैं लूँगा, इसमें थोड़ी थोड़ी मटर भी डाल रखी है इन्होंने। भाई सच में मुंह में पानी आ रहा है यार। ये अमृतसर में पहला रिस्क है जो हमने खाया है आकर,
इसने पहले ही निवाले में अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई कम में नहीं आकीयेगा, अभी आपने टेस्ट बहुत सारे नए चखने हैं जो हम आपको चखाएंगे। यानी अमृत सर मुझसे कह रहा है आप आए हैं, अभी शुरुआत है, आपने पहला निवाला लिया है। अमृत सर ने ये कहा कि मेरे इस बैंगन के भरते में स्मोक की खुशबू है, आगे आगे देखिए होता है क्या। नेक्स्ट जो इनकी बड़ी यानी ये सिग्नेचर जो दाल है ना इनकी, उड़द की दाल है। इन्होंने मुझे बताया उड़द की इनकी ये दाल 12-13 घंटे पकती है। पीतल की बहुत बड़ी सी देग मैंने अभी आपको अंदर दिखाई थी, उसमें ये पकी है, उसके बाद इसको तड़का मारा है। तड़के में एक नई चीज़ ये देखी कि प्याज के साथ अदरक है, चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई हैं। पहला निवाला ये बता चुका कि अमृतसर का सफ़र बेवजह नहीं किया गया। आगे चलते हैं। अच्छा एक इन दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ ये मैंने देखी कि नमक थोड़ा सा डाउन साइड पर रखा हुआ है इन्होंने, ताकि सब खा सके। रंग भरे हुए हैं, रंग सब्जियां तो क्या कहिए, रंग भरे हुए हैं, ये रंग जायके लिए हुए हैं। इसको खाली खा के देखते हैं यार। डेफिनेशन ही अलग है, खुशबुएं अलग है, जायके तो अलग होंगे ही, अपीयरेंस तरीके माहौल जायके खुशबुएं शक्लें मिजाज मेहमान नवाजी सब चीज़ें एक साथ इस थाली में, बहुत मज़ेदार खाना है। हम केसर दा ढाबा पर बैठे, इसके अंदर साबुत धनिया भी नज़र आ रहा है, बहुत कुछ भरा हुआ है, बाकायदा फूड साइंस है। अच्छा ये एक और पराठा मैंने लिया था भाई साहब, ये गोभी का है? जी सर, ये गोभी का है। ये आलू का है? ये आलू का। अच्छा तो ये बता रहे हैं भैया कि ये गोभी का पराठा है, इसको भी पहले मैं रूखा चक्कर देखूँगा क्योंकि इसका असली मज़ा रूखा से ही पता लगेगा। अजवाइन गोभी आलू साथ में तंदूर की खुशबू मक्खन पंजाब पांच आब, ये पांच आब हैं, यहाँ पांच नदियाँ बहा करती थी उससे बना है पंजाब, यानी पांच तरह के यहाँ पानी, यहाँ पांच तरह की नदियाँ बहती हैं, तो जायकों में शामिल होंगी। साथ रहिए, अभी थाली में बहुत कुछ बाकी है। अभी हमने तीन चीज़ें चख ली थी, एक हमारा ये चना फ्राई रह गया। मुंह भर के एक निवाला होना चाहिए इसका, तब भी मज़ा आएगा। ब्लैंक, चने को ऐसे भी कभी बनाया जा सकता है नहीं सोच सकता, यानी मुंह में रखने के बाद शक्ल तो चने की दिख रही है लेकिन अंदर जाने का ये पता नहीं लग रहा कि आपने चना खाया है। इतना सॉफ्ट है, बिल्कुल फूल हुआ है, मुंह में जाने के बाद बिल्कुल भी इसने एहसास नहीं कराया कि मुझे चबाना पड़ेगा, इसने कहा मैं चना हूँ। लेकिन आज जो मैं चना हूँ वो आप मुझे पहली बार खा रहे हैं। ये अमृतसर का चना है, ये पंजाब का चना है, यहीं पैदा हुआ, यहीं आपकी थाली में आ गया, तो यहीं हमारे सामने है। मैं नहीं सोच सकता था कि चने को इस तरह से एक बाकायदा डिश के तौर पर भी बनाया जाता होगा, बहुत मज़ेदार है। अब हमारा एक आइटम रह गया पालक पनीर, उसको और कर लेते हैं, उसके बाद उम्मू भाई को इजाज़त देते हैं, मौका देते हैं कि उम्मू भाई भी ये सारे जायके चख लें, अपना पेट भर लें। हमारा फिर मैं बता दूं, अमृतसर का ट्रिप शुरू हुआ है, ये हमारा पहला मील है और इस पहले मील ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सब्जियां इतनी खूबसूरत अंदाज से भी बनाई जा सकती हैं, अगर बनाने पे आएँ तो ये कोरमे को भी पीछे छोड़ सकती है, पनीर पालक के साथ। बघार में प्याज लहसुन के अलावा अदरक भी यहाँ पर बघार में यूज़ किया जा रहा है मक्खन के साथ, और उसमें हर चीज़ में उसकी झलक आ रही है। पालक पनीर बहुत मज़ेदार है, पालक बिल्कुल मेल्टेड है, पनीर एकदम सॉफ्ट है, क्या बताया जाए। मेरे ख्याल में ये वो जगह है कि जहाँ ये सब्जियाँ, समझ लीजिए कि ये इन सब्जियों के माँ का घर है, सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं, पूरा पंजाब अपनी खेती के लिए मशहूर है और सारे इंडिया को सर्व करता है। हम आज उसके जिगर में बैठकर उसकी पैदा की हुई सब्ज़ियाँ खा रहे हैं। केसर दा ढाबा पर हैं, अमृतसर में, पंजाब में हैं और आप ग्लोबल सेंटर पर हैं, तो हम ये खाना फिनिश करेंगे उसके बाद बात करें।
इस खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 दिन का जो टूर है ये 3-4-5 किलो के आसपास वजन बढ़वा के भेजेगा। खाना बहुत अच्छा था, फिर भी इस खाने के अंदर जो कुछ प्लस माइनस है मैं बता दूँ। नंबर एक तो ये कि थोड़ा सा नमक इन्होंने लोअर साइड पर रखा हुआ है, ऑब्वियसली उसकी वजह यही है कि ताकि सबका कंपेटिबल रहे, जिसके लिए कम है वो आगे डाल के खा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर कम खाने वाले के लिए प्रॉब्लम है, जस्टिफाई की जा सकती है। इस बैगन के भरते के अंदर बड़ा अच्छा स्मोक का जायका है, जो इसको शायद इन्होंने स्मोक दिया है बनाने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। नंबर 1 छोले थे, नंबर 2 पनीर था, नंबर 3 नंबर 4 सारी चीज़ें हैं, कमोबेश सब चीज़ें आसपास हैं, और केसर दा ढाबा मेरे ख्याल में अगर मैं कभी दोबारा अमृतसर आया तो खाना यहाँ करूँ। मतलब मीठा मीठा मतलब मेहमान नवाजी, यानी आखिर में मीठा ज़रूर होना चाहिए। हमने यहाँ पर मीठा मंगाया है, ये रसमलाई है, इसका इतनी वाला खा कर देखते हैं। चलो, मैं पहले भी कई बार ये मिसाल दे चुका हूँ कि भूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो अगर इस अमृतसर को भूत मान लिया जाए तो इसके पाँव आज पालने में दिख गए। बाकी कल नया दिन होगा, नए खाने होंगे, नए नाश्ते, नए लंच, नए डिनर, नए ब्रंच, बहुत कुछ होगा। सारे सफ़र में साथ रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खाना खा लिया, बस रमेश जी का 2-3 चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना है। नंबर 1, उन्होंने हमें पहचान लिया। नंबर 2, उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम यहाँ कैमरा खोल लें। नंबर 3, उन्होंने हमें किचन की एक्सेस दी। नंबर 4, उन्होंने बहुत प्यार दिया। रमेश जी थैंक यू सो मच सर, खाना बहुत अच्छा था आपका, थैंक यू सो मच। अभी और 200 साल रहिए। थैंक यू, थैंक यू।